Do you wish to learn the present perfect passive voice? Do you get confused seeing has been, have been, and the third form of the verb? If you really want to know its meaning and how to use them, then you keep on watching this video till the end. Hi, this is Muhyiddin Sheikh, and I would like to welcome you to International Speakers Academy. Ladies and gentlemen, I am delighted, pumped up, and excited to teach you today the present perfect passive voice. I'll be dispelling your all doubts, and I will make sure that you be confident as far as present perfect passive voice uses are concerned. In this video, I'm going to give you the profound knowledge of present perfect passive voice, and you will be able to understand exactly when we use have been, has been, and plus third form of the verb. And I'll also be teaching you towards end how you can identify between present perfect active voice and the present perfect passive voice. So don't leave this video in between. If you really want to understand and have the confidence, keep watching this video till the end. So my dear friends, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। क्या आपको हैव बीन, हैज बीन और आपका थर्ड फॉर्म देख के कंफ्यूजन होता है किसका मीनिंग क्या है, या फिर आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं? आप रियली इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आई प्रॉमिस यू, by the time you finish this video, you will have the profound understanding about present perfect passive voice. So let's get started. Present perfect passive voice. For your understanding, you can write down in Hindi, kaam kiya gaya hai ya kaam kiya ja chuka hai. Whenever you translate the present perfect passive voice in Hindi language, its meaning will be at the end, किया गया है, किया जा चुका है. Or if you want to translate which has at the end, किया गया है या किया जा चुका है, into English language, then you have to use the present perfect passive voice. For example, हम लोगों को इनाम दिया गया है, हमें हॉल में एंट्री नहीं दिया गया है. For such sentences, you have to use the present perfect passive voice. Now we will have a look at the definition of the present perfect passive voice. The present perfect tense passive voice is used to describe an action which has been done now. Present perfect passive voice tense का use हम उस वक्त करते हैं या ऐसे काम को बताने के लिए करते हैं जब हमें बोलना हो काम अभी खत्म किया गया है या काम अभी खत्म किया जा चुका है, right? So, काम किया गया है या काम खत्म किया जा चुका है, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना है तो यू हैव टू यूज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस. नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड विथ एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, ऑन मार्च 2010 एटसेट्रा. अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर में पास्ट एडवर्ब है, यानी ऐसा फ्रेज या ऐसा वर्ड जिससे पास्ट का टाइम यानी भूतकाल के किसी टाइम का पता चलता हो या जमाने माजी के किसी टाइम का पता चलता हो तो उस सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. वन थिंग यू मस्ट बेयर इन योर माइंड, इंग्लिश लैंग्वेज डजंट फॉलो द हिंदी ग्रामर. सो हमेशा आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में हिंदी के मुताबिक ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं. आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर और यू वॉन्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एलोक्वेंटली, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन. सो गाइज, वंस अगेन, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर में पास्ट एडवर्ब है
ठीक है, और उसको आप कह रहे हैं जैसे काम 2 घंटा पहले खत्म किया जा चुका है। सुनने में ये प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, लेकिन 2 घंटे की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा द वर्क वॉज फिनिश्ड 2 आवर्स बैक। ठीक है, अगर पास्ट एडवर्ब नहीं है उसके अंदर में, कोई भी पास्ट का वर्ड या फ्रेज नहीं है, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिर्फ बोलना है काम खत्म कर दिया जा चुका है, then you can say the work has been finished. Now look at the rule. Affirmative sentence. जैसा आपको मैं सिखा चुका हूं प्रीवियस के वीडियो में, पहले के वीडियोस में, कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं आता है, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा चीज जिसपे एक्शन होता हो। The object is something on which the action takes place. के उस पे action होता हो, और सब्जेक्ट का माना होता है सब्जेक्ट एक्शन करता है, इसलिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, राइट? और ऑब्जेक्ट के मुताबिक हैव बीन हैज बीन लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, राइट, ही शी इट सिंगुलर हो तो साथ में हैज लगेगा, और आई और प्लुरल हो, आई यू वी दे प्लुरल हो तो उसके साथ में हम लोग हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लुरल होगा तो उसके साथ में हैव बीन लगाएंगे, ही शी इट या फिर सिंगुलर हो तो उसके साथ में हम हैज बीन लगाएंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ टेंसेस, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंस के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। Now let me give you some example. If you want to say, हमें पैसा दिया जा चुका है, the English will be we have been given money. राजू को पीटा गया है, राजू has been beaten. उन्हें मदद किया गया है, they have been helped. So guys, these are the example of affirmative sentence. In interrogative sentence, right, have and has will come first, then the object, then been, and then past participle. Agar, if you want to use any interrogative pronoun, what, when, how, whose, whom, how much, how many, etc., these are the interrogative pronoun. If you want to use, then that interrogative pronoun will be used before have and has. So, wo interrogative प्रोनाउन हैव और हैज के पहले यूज होगा, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राइट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, प्लुरल या आई है तो हैव यूज करेंगे, फिर बीन और देन पास्ट पार्टिसिपल, राइट। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस के वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको अगर पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देर आर मेनी वीडियोज इन द प्ले लिस्ट, सिंपल मेथड टू लर्न टेंसेज, आप वो वॉच कर सकते हैं, पैसिव वॉइस की वीडियोज हैं, डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस की वीडियोज हैं, वोकैबुलरीज के वीडियोज हैं, आप वहां पे जाइए और उन वीडियो को देखिए और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए। सो अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर हैव, हैज, ऑब्जेक्ट, फिर बीन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जैसे बोलना है आपको क्या तुम्हें डांटा गया है, सो हैव यू बीन स्कोल्डेड, क्या खाना पकाया जा चुका है, हैज फूड बीन कुक्ड। अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है तब उसका एग्जांपल, व्हेन हैव यू बीन गिवन सैलरी, व्हेन हैव यू बीन गिवन द सैलरी, तुम्हें सैलरी कब दिया गया है, what has been cooked, क्या पकाया गया है। Now we'll see the rule of negative sentence. In negative sentence, object, and according to object we will use have not, has not, then been and then past participle. इसे बोलना है मुझे पैसा नहीं दिया गया है, I have not been given money, उसे
खाना सर्व नहीं किया गया है. He has not been served food. I would like you to read this rule with attention and practice it. Because practice is very important. By practicing, things becomes easy. So keep on practicing. Now, very important. We will be practicing the sentences now in order to give our tongue some exercise to be able to speak this kind of sentences effortlessly. And stay with me till the end, because after this practicing, I will teach you how you can identify between present perfect active voice and the present perfect passive voice. So, aap video ko ant tak dekhein, kyunki main bhi is practice ke baad main aapko sikhane wala hu ki kaise aap present perfect active voice ko pehchan sakte hain aur kaise aap present perfect passive voice ko pehchan sakte hain. The ship has been wrecked in the storm. Wreck matlab tod phod dena, tabah kar dena. Storm means tufan. Jahaj pani mein tabah ho chuka hai, toot phut gaya hai. The message has been sent. Message bhej diya gaya hai. The payment has been made. Make payment matlab payment karna, payment de diya gaya hai. We have been betrayed. Betrayed, dhokha dena. Hame dhokha diya gaya hai. The fire has been extinguished. Extinguish means aag bujhana. Aag bujha di gayi hai. Integrative sentence. Have you been told a lie? Kya humse jhoot bola gaya hai? How have they been tempted? Unhe kaise lalchaya gaya hai? Why has he been ignored? Use kyun nazar andaz kiya gaya hai? Where has the wheat been ground? Gehun kahan pisa gaya hai? Wheat means gehun and ground ka first form hai grind. G-R-I-N-D. Grind, ground, ground. Matlab pisna. Where the wheat has been ground? Gehun kahan pisa gaya hai? Whose office has been vandalized? Kiske office ko tod phod diya gaya hai? Negative sentence. He has not been elected as a minister. Use minister ke taur pe nahi chuna gaya hai. He has not been selected in the team. Use team mein nahi chuna gaya hai. The application has not been forwarded to the headmaster. Application headmaster tak nahi badhaya gaya hai. They have not been granted visa. Unhe visa nahi diya gaya hai. Now let's read question and answer. How to ask question and how to answer. Has she been vexed at his conduct? Vex matlab gussa dilana. Kya wo gussa ho gayi hai uske vyavhar par? Conduct matlab vyavhar. Yes, she has been vexed at her conduct. Haan wo uske vyavhar par gussa ho gayi hai. How much donation has been given for her admission? Donation chanda. Kitna chanda diya gaya hai uske admission ke liye? 5 lakh has been given for admission. Uske admission ke liye 5 lakh diya gaya hai. Who has been rewarded the best employee award? Best employee award kise diya gaya hai? Maria has been rewarded the best employee award. Maria ko best employee ka award diya gaya hai. Has he been ruined by gambling? Kya wo barbaad ho gaya hai juwe ke zariye? By gamble matlab jua. Yes, he has been ruined by gambling. Haan, wo juwe ke zariye barbaad ho gaya hai. So guys, we have practiced the sentences. Now, we will see how can we identify between the present perfect active voice and the present perfect passive voice. Right? Active voice versus passive voice. So let me explain to you. In active voice, there will be a subject. In present perfect, there will be a subject. And then according to subject, we use have and has. And then the third form of the verb. It means the subject will execute the action. But in the passive voice, there won't be the subject. The first object will be there. And according to object, we use have been and has been. And then third form of the verb. So we will read the sentence. And while reading, I will also tell you the sign by which you can identify the present perfect active voice and the present perfect passive voice. The storm has wrecked the ship. Tufan ne barbaad kar diya hai
jahaj ko. Now here the storm is the subject, and then has is there because this is the present perfect tense, and then third form the verb, and then the object. Now the ship has been rigged. Ship has been wrecked. Jahaj ko barbaad kar diya gaya hai, ya jahaj barbaad ho gaya hai. How would I come to know whether this is the active voice or passive voice? Mujhe kaise pata chalega ki active voice hai ya passive voice hai? To has been ke baad mein third form hai. Jahan bhi has been ho ya have been ho aur third form ho, to aapko samajh jana hai ki wo passive voice hai, present perfect passive voice hai. और आपको जो मीनिंग है उसका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में समझना है, जैसे मैंने आपको बताया किया गया है या किया जा चुका है. तो ये जो शिप है, ये शिप अभी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, ये रेक यानी बर्बाद करने का एक्शन शिप पे हुआ है, तो क्या हो जाएगा, शिप बर्बाद हो चुका है. द पुलिस हैज कैरीड द वुंडेड. पुलिस जख्मी लोगों को लेके गई. ले जाने वाला कौन है? Police. So police has carried the wounded. The police जख्मी को लेकर गई. तो यहाँ पे subject है police ले जाने वाला, फिर has है carried and then wounded. इससे पता चल गया कि ये active voice present perfect है. The wounded have been carried. जख्मियों को ले जाया गया, ले जाया जा चुका है या ले जाया गया. यहाँ पे जो wound है, wounded है, जख्मी, ये ऑब्जेक्ट है, ले जाने का काम wounded पे हो रहा है. He has spent his life in expectation. उसने अपनी जिंदगी उम्मीदों में बिता दी. यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, फिर has and the third form the verb and then the object. इससे पता चल गया कि active voice है. So he has spent his life in expectation. उसने अपनी जिंदगी उम्मीदों में बिता दी. His life has been spent in expectation. उसकी जिंदगी उम्मीदों में बीत गई. यहाँ पे जो his life है, ये object है, spent life पे हो रहा है. Has been के बाद में third form आया, इससे पता चल गया कि ये passive voice है. Expectation मतलब उम्मीद. उसकी जिंदगी बीत गई उम्मीदों में. Her friends have deceived her. उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया. Her friend is the subject, have and third form the verb. Subject है इसका मतलब ये present perfect active voice है. उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया. Deceive means धोखा देना. She has been deceived by her friends. वो अपने दोस्तों से धोखा खा चुकी है. यहाँ पे जो she है, ये subject नहीं object है, ये deceive का काम she पे हो रहा है. So she has been deceived. वो धोखा खा चुकी है by her friends, अपने दोस्तों से. They have unloaded the truck. उन लोगों ने truck खाली किया. Unload खाली करना. Right? तो दे सब्जेक्ट खाली करने वाले दे हैं, तो पता चल गया ये सब्जेक्ट है दे और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है. द ट्रक हैज बीन अनलोडेड बाय देम. ट्रक खाली की गई है उनके जरिए. तो यहाँ पे जो ट्रक है, ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है. अनलोड का काम ट्रक पे हो रहा है. सो ट्रक खाली की गई है उनके जरिए. हैज बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है, जिससे पता चलता है हमें कि ये पैसिव वॉइस है. This was the complete presentation about present perfect passive voice. I hope you enjoyed and understood the whole rule and you practice as well. Like this video and share it with others. Thank you very much for watching.